हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो डायबिटीज़ का टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें प्रीवियस दो वीडियोस में इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इसका जनरल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट आएगा। तो सबसे पहले अपन बात करें इसके जनरल मैनेजमेंट की, तो जो डायबिटीज़ का मैनेजमेंट किया जाता है उसमें चार पॉइंट्स आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इंसुलिन थेरेपी, सेकंड वन है एंटी ग्लाइसिमिक ड्रग्स जिनको ओरल हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग्स भी बोला जाता है, थर्ड वन है फिजिकल एक्सरसाइज एंड फोर्थ वन है डाइट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंसुलिन थेरेपी की। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यूजुअली इन टाइप वन डायबिटीज़ बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, इन दिस केस इंसुलिन शुड बी टेकन बाय पेशेंट फ्रॉम आउटसाइड। जैसा मैंने आपको टाइप्स में बताया था कि जो टाइप वन डायबिटीज़ होती है इसमें क्या होता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, इसलिए पेशेंट को क्या होता है, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन फॉर्म में। सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे इंसुलिन इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स विच इज़ गिवन बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। अब जो इंसुलिन जो प्रेजेंट है वो मार्केट में डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है, और ये मतलब अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से भी आता है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, ऐसे आते हैं ड्यूरेशन के हिसाब से। और जो इसको दिया जाता है, जो इसका रूट है इंजेक्शन का, वो है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियसली इंसुलिन दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, और इनहेलिंग इंसुलिन आल्सो यूज्ड नावे डेज। इनहेलिंग इंसुलिन भी अवेलेबल हो गया है मार्केट में, जिसको आजकल यूज़ किया जा रहा है, और इसका यूज़ जो है यूएसए में स्टार्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, द इंसुलिन मे गिवन ऑन एब्डोमन, आउटर एरियाज ऑफ थाइस, अपर आउटर एरिया ऑफ आर्म्स और द बटक्स। ओके, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कि जो सबक्यूटेनियसली इंसुलिन दिया जाता है तो उसके लिए साइट्स भी होती हैं, तो डिफरेंट साइट्स यहाँ पे होती है जहाँ पे इंसुलिन के इंजेक्शन दे सकते हैं। फर्स्ट वन तो है एब्डोमन, जो पेशेंट का एब्डोमन होता है उसमें एक तो इंसुलिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, दूसरा जो आउटर एरियाज है थाइस के, जो थाइस होते हैं उसका जो आउटर एरिया है वहाँ पर भी इंसुलिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन है अपर आउटर एरिया ऑफ आर्म्स, जो हमारी आर्म्स होती हैं उसका जो अपर आर्म है, अपर आर्म का भी जो आउटर एरिया है वहाँ पे भी इंसुलिन का इंजेक्शन दे सकते हैं, इसके अलावा बटक्स में भी दे सकते हैं। ओके, बट जो यहाँ पे इंजेक्शन दिए जाते हैं उसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है इंसुलिन के केस में, कि साइट रोटेशन यहाँ पे करना ज़रूरी है जब भी इंजेक्शन देते हैं। जैसे आज एब्डोमन पे दिया, एब्डोमन पे एक साइट पे दिया, तो दूसरा जब इंजेक्शन देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वहीं लगाए, साइट को चेंज करना है, थोड़ा सा जहाँ पे दिया था उससे थोड़ा सा दूरी पे लगाना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अगर एक ही साइट पे लगाएंगे तो उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या करना है, साइट को रोटेशन करना ज़रूरी है। ओके, ये तो बात होगा इंसुलिन थेरेपी की। नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो दी जाती है कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे दो मेजर ग्रुप्स आते हैं इन ड्रग्स के, फर्स्ट वन तो है सल्फोनील यूरिएज और दूसरा है बाइगोनाइड्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सल्फोनील यूरिएज की। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ड्रग्स इंसुलिन के सीक्रीशन को स्टिमुलेट करती है, और कैसे करती हैं, बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करके। ओके, तो अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, एक तो आती है टोलब्यूटामाइड और दूसरी आती है ग्लाइबेंक्लेमाइड। तो ये दो तरह की ड्रग्स है जो सल्फोनील यूरिएज ग्रुप में आती है, जो क्या करती हैं, इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करती है। ओके, नेक्स्ट ग्रुप आता है यहाँ पे बाइगोनाइड्स। ये ड्रग्स क्या करती हैं, ये ग्लूकोनियोजिनेसिस को कम कर देती है। ग्लूकोनियोजिनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फैट और प्रोटीन से क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, इसको ब्लॉक कर देती है, और अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, इसमें आती है मेटफॉर्मिन। ओके,
तो ये तो बात हो गई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स की। अब बात आती है जो एक्सरसाइज और डाइट जो यहाँ पे दी जाती है। तो मैंने आपको टाइप 2 में बताया था कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है इसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स दी जाती हैं उसके साथ साथ पर्सन को डाइट और एक्सरसाइज भी लेनी पड़ती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट्स वेट रिडक्शन एंड इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी दस लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे जो ओबेज पर्सन होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली किस में देखने को मिलती है, जो ओबेज लोग होते हैं जो मोटे होते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि एक तो वेट लॉस हो, और अगर वेट लॉस होगा तो उस वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होगी, मीन्स इंसुलिन का एक्शन इंक्रीज़ होगा। ओके, जिस वजह से क्या होगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है डाइटरी मॉडिफिकेशंस। यहाँ पे जो डाइट चेंजेस है वो क्या क्या करने पड़ेंगे ऐसे पर्सन को, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन में कि पर्सन को एक तो अपने जो डाइट है उसमें कम नमक जो है वो कम लेना है, ज़्यादा नमक नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल और फैट इंटेक है उसको भी कम लेना है, बिल्कुल लिमिट अमाउंट में लेना है। ऐसा क्यों करना है, ताकि जो ग्लूकोनियोजिनेसिस की प्रोसेस है उसको भी कम किया जा सके। नेक्स्ट वन है यहाँ पे प्रोटीन डाइट जो है वो अच्छे से लेनी है। ऐसा क्यों करना है, ताकि जो मस्कुलर वीकनेस है उसको कम किया जा सके, मसल्स का डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट वन है यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है वो भी जो है प्रॉपर अमाउंट में लेनी है, क्योंकि आपको पता है जो सबसे ज़्यादा बॉडी को कैलोरीज किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो CHO डाइट यहाँ पे अच्छे से लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर टू बी यूज्ड इन मॉडरेशन। जो भी स्वीटनर्स वगैरह आते हैं, मीठी चीज़ें आती हैं, इनको कम अमाउंट में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है एल्कोहल कंजप्शन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, इट मे कॉज हाइपोग्लाइसीमिया इन दोज टेकिंग ए एंटी डायबिटिक ड्रग्स। अब जो लोग ओरल हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग्स लेते हैं इनको एल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है, ड्रिंक्स नहीं लेनी। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि एल्कोहल क्या करती है, जो लोग ड्रग्स लेते हैं जो हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग्स ले रहे हैं उनमें क्या करती है, एल्कोहल हाइपोग्लाइसीमिया कर देती है, मीन्स ग्लूकोज के लेवल को एकदम से कम कर देती है। इसलिए एल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है जब ड्रग्स ले रहे हैं। ओके, तो ये बात हो गई डाइट की और फिजिकल एक्सरसाइज की, तो ये जनरल मैनेजमेंट हो गया। अपन बात करते हैं डायबिटीज़ के नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो इसमें फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आता है एल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है, पर्सन का न्यूट्रिशन जो लेवल है वो एल्टर हो रखा है। क्यों हो रखा है, इंसुलिन में इम्बेलेंस होने की वजह से, और फूड और जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी इम्बेलेंस हो रखी है। ओके, तो इस वजह से क्या हो रहा है, पर्सन में न्यूट्रिशन एल्टर्ड हो रहा है। तो इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस लेंगे, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑब्टेन करंट वेट एंड वेट हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। जब पेशेंट हमारे पास चेकअप के लिए आएगा, जो डॉक्टर है उसके पास आएगा, तो नर्स को क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट का वेट चेक करना है कि अभी करंट वेट कितना है, और हिस्ट्री लेनी है कि पहले आपका वेट कितना था और उसमें कितना चेंज आया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एसेस फॉर साइंस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, इट रिजल्ट्स व्हेन इनएडिक्वेट इंसुलिन इज प्रेजेंट टू यूज़ ग्लूकोज। अब यहाँ पे जब पेशेंट आया है तो हाइपरग्लाइसीमिया के साइन चेक करने हैं। तो मैंने आपको हाइपरग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स पढ़ाए थे उसमें बताया था कि लाइक 3P वगैरह जो है, पोली यूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, इसके अलावा और भी सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो पेशेंट से हमें जो है हिस्ट्री कलेक्ट करनी है इस बारे में, और जो हमें साइन दिख रहे हैं उनको चेक करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एंकरेज पेशेंट टू टेक मोर कैलोरीज इन डाइट टू गेन वेट वंस इंसुलिन इज कंट्रोलिंग ग्लूकोज लेवल। अब यहाँ पे जो पेशेंट का ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट हो गया है, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दे रहे हैं, या वो ड्रग्स लेने लगा है ओरल हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग्स, तो ऐसे केस में क्या करना है, पेशेंट को हमें एंकरेज करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज लें, मींस कार्बोहाइड्रेट डाइट, प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लें, ताकि क्या हो, आपका गेन जो वेट है वो अच्छे से गेन हो सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे
कंसल्ट विथ ए डाइटिशियन टू मैनेज ए डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू पेशेंट एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो पेशेंट है उसकी डाइट भी हमें प्लान करनी है, क्योंकि हमें डाइट मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, तो पेशेंट को बताना पड़ेगा कि आपको खाने में क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो इसके लिए हम डाइटिशियन की हेल्प भी ले सकते हैं, मीन्स जो नर्स है या जो डॉक्टर है वो डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हैं और उसकी डाइट चार्ट प्लान कर सकते हैं। बट किसके अकॉर्डिंग करेंगे? पेशेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंट को भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर पेशेंट को खाना पसंद ही नहीं है तो कैसे खाएगा? ओके, तो पेशेंट के जो एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग डाइट चार्ट प्लान करना है, जिसमें पेशेंट की मर्जी के हिसाब से खाना हो, बट ऐसा खाना हो जिसमें रेस्ट्रिक्शंस भी हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिपोर्ट एनी फुट इंजरी और ट्रॉमा टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी। अब पेशेंट से हमें ये भी डाटा कलेक्ट करना है, पूछना है कि आपको कोई इंजरी तो नहीं हुई है कहीं पे, अगर इंजरी हुई है तो आप हमें बता दीजिए। ओके, तो ये बात हो गई फर्स्ट डायग्नोसिस की। नेक्स्ट डायग्नोसिस है यहाँ पे, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट रिलेटेड टू हाइपरग्लाइसीमिया। यहाँ पे फ्लूइड वॉल्यूम की भी कमी है न्यूट्रिशन के साथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन में क्या होता है, जो यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। तो इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस लेंगे, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मोनिटर एंड रिकॉर्ड इनटेक आउटपुट चार्ट। पेशेंट का जो है इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करना है कि कितना पेशेंट जो है फ्लूइड ले रहा है, कितना फ्लूइड उसका लॉस हो रहा है यूरिन में, तो इसको एसेस करना और देखना है कि इसमें कितना बैलेंस है या इम्बैलेंस है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, चेक डेली वेट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर हाइड्रेशन स्टेटस सॉरी। अब यहाँ पे पेशेंट का जो है वेट चेक करना है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को भी यहाँ पे एसेस करना है। तो इससे क्या पता चलेगा? डिहाइड्रेशन का पता चलेगा। अगर स्किन ड्राई है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी ड्राई है, तो ये साइन है किसके? डिहाइड्रेशन के। ओके, एडमिनिस्टर आई वी फ्लूड्स एज ऑर्डर टू मेंटेन फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब यहाँ पे जो फ्लूड लॉस हो गया है उसके लिए क्या करना है, बाहर से आईवी फ्लूड्स दे सकते हैं ताकि जो पर्सन का फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको मेंटेन किया जा सके। लास्ट यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस आता है, एनजाइटी रिलेटेड टू लॉस ऑफ कंट्रोल इनएबिलिटी टू मैनेज डायबिटीज़। अब यहाँ पे जो डायबिटीज़ का पेशेंट होगा उसमें एनजाइटी भी रहेगी, क्योंकि उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा हो रखा है और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो पर्सन के मन में डर होगा। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस दी जाएगी? फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट अपॉन एडमिशन विच अलाउज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ एनजाइटी। जब पेशेंट एडमिट हो या चेकअप के लिए आए, तो सबसे पहले पेशेंट की जो है हिस्ट्री हमें कलेक्ट करनी है, पेशेंट से बातें करनी है, उसके जो भी डाउट्स हैं वो हमें क्लियर करने, ताकि उसकी एनजाइटी का पता चल सके। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, रीएश्योर द पेशेंट दैट एनजाइटी इज़ नॉर्मल। उसके बाद हमें पेशेंट को आश्वासन देना है, रीएश्योर करना है कि आपकी जो भी एनजाइटी है वो एक तरह की नॉर्मल है, जो सभी लोगों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अलाउ पेशेंट टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स और डाउट्स। अब पेशेंट को हमें ये भी जो है थोड़ा सा एंकरेज करना है, उन्हें बोलना है कि आपकी जो भी मन में डाउट्स वगैरह है वो आप हमें से पूछ सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्सप्लेन ऑल प्रोसीजर्स इन सिंपल फॉर्म्स टू पेशेंट। अब जो भी यहाँ पे प्रोसीजर किए जाएंगे, लाइक ग्लूकोज टेस्ट वगैरह, जो भी ईसीजी वगैरह भी अगर करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी प्रोसीजर्स वगैरह अगर वो करने हैं, परफॉर्म करने हैं, तो उसके बारे में पेशेंट को एक बार हमें एक्सप्लेन करना है, ताकि उसकी जो भी मन की एंजाइटी वगैरह है वो कम हो। नेक्स्ट वन है, एंकरेज पेशेंट टू प्रैक्टिस ऑफ टेक्निक्स टू रिड्यूस एंजाइटी। अब लास्ट में क्या करना है, पेशेंट को ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताना ताकि जिससे उसकी एंजाइटी कम हो। तो इसमें क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है, लाइक वो जो है योगा और मेडिटेशन कर सकता है, म्यूज़िक थेरेपी जो है गाने वगैरह सुन सकता है, टीवी वगैरह देख सकता है, इससे क्या होगा कि थोड़ी एंजाइटी कम होगी। ओके, तो ये बात हो गई एंजाइटी डायग्नोसिस की, और ये नर्सिंग मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो डायबिटीज़ के टॉपिक में, तीनों वीडियोज़ में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।